देखना आपका प्यारा और सोना पुत्र जो है ना, है नहीं, अच्छा देखना माँ जी कितने सुर और रिदम में है, ये देखें, पम पम पम। अरे मुँह तेरा, ये पम 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 हिंदी का लफ्ज तो नहीं है, फिर आपने फिटे मुँह क्यों कहा? सुबह से तेरा ये पम पम सुन के ना मेरे दिमाग में धम धम हो रहा है। माँ जी चलो ट्रैक चेंज कर लेते हैं, अब ना पम पम की जगह ना हम धम 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 कर लेते हैं। फिर मुँह तेरा, अरे सुबह से ये पम पम सुन के ना मेरे कान पक गए, तू खामोशी से पहले नहीं दबा सकता। मरिया आपने सुना नहीं, खामोशी का दूसरा नाम मौत है। ये पम पम धम धम ना ये मौत का निकनेम है। माँ जी एक बात कहूँ? बोल। माँ जी ये जो हमारा सुखी परिवार है ना, ये सब आपके दम से है। बेटा बुत तेरा, ये सुखी परिवार की जगह ना तू खुशहाल घराना भी कह सकता था। माँ जी ये जो खुशहाल घराना वर्ड है ना, ये जरा मुश्किल सा है। अरे माँ जी आपने गौर नहीं किया, आपके सोने पुत्र अशरफ ने ना एक अंग्रेजी का पूरा लफ्ज ही बोल दिया। शाबाश अशरफ शाबाश। अरे मुत तेरा, माँ जी अंग्रेजी पे भी फिटे मुँह। तू खामोशी से मेरे पैर दबा। माँ जी मुझे ना कभी कभी ना बड़ा गर्व महसूस होता है, गर्व। ना किस बात का गर्व महसूस होता है तुझे? माँ जी आप जिस तरह मेरी प्यारी शिगुफ्ता से प्यार करती है ना, इससे ना आप सास बहू तो लगती नहीं है। फिर क्या लगते हैं? ट्विन सिस्टर लगती है। अरे मुँह तेरा, शिगुफ्ता और बेबी ना सखी बहनों की तरह घुल मिल के रहती है, क्यों शक्कर हो के मिल जुल के। ये घुल मिल के रहना और मिल जुल के रहना और बात होती है माँ जी। अरे मेरी तो दुआ है कि ये घर सदा खुशहाल रहे, सब घुल मिल के प्यार मोहब्बत से रहे। सूखी सड़ी भिंडी, खुद को समझती क्या है परिस्तान की शहजादी? जाहिर है मैं तो हूँ ही परिस्तान की शहजादी, और आप क्या हैं? आप हैं कौकाब की चुड़ैल। चुड़ैल का तुमने हमें? हाँ माँ जी मैं ना सारा पता करके ना घुड़ ही आया, बस समझे यूं गया ते यूं करके आया। अशरफ बहुत हो गई, आज आपकी बहन आपकी बीबी को मारना चाहती थी। सुनो इन पे 300 धोखा पर्चा करवाओ अभी इसी वक्त। अरे देखने में कितनी सूखी सड़ी भिंडी लगती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के कैसी जान बनाई हुई है। आप किचन में आपके चखने के बहाने चीप तरीके से बोटियां खाती हैं। अरे ये तो सरासर इल्जाम है हम पे, हमारा जिस्म तो बचपन से ही बल्कि है। अरे आप लोगों को हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? अब ये मुकदमा ना माँ जी की अदालत में पेश होगा। अरे वो क्या कर लेंगी, वो तो अपनी बेटी के हक में ही फैसला देंगी ना। नहीं नहीं माँ जी जो है ना हमेशा हक का साथ देती है, खरा इंसाफ करती है। अरे तुम चुप करो जोड़ू का गुलाम, पता नहीं सूखी सड़ी भिंडी में क्या घोल के पिला दिया, इसकी तो मत मारी गई है। ये तावीज गंडे आप करती होंगी, मैं नहीं करती इस तरह की चीप हरकतें। मेरी बेबी ना सीधा सीधा गंडासा चलाती है। पेंडू जो है, अरे पेंट कमीज पहनने से कोई इंसान मुहज्जब थोड़ी हो जाता है। रियली मैं पेंडू हूँ, फाइन मुझे फखर है, और आप एक अदद जाहिल औरत है। ना ना बेबी, बेबी ऐसे नहीं बोलते। आहा मुझे ना आप एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहना। अरे जाओ जाओ, वैसे भी ये हमारे मियाँ का घर है, और मुफ्त की रोटियाँ खा खा के तुम दोनों मियाँ बीवी हड हराम हो गए। बाजी मैं तो आपका भाई हूँ। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि तू और तेरी बीवी दोनों ही निखट्टू हो, हड हराम हो। माँ जी बहुत होगी लड़ाई इस घर में, अब असल मसला क्या है ये बताओ। माँ जी मैं आपको बताती हूँ, असल मसला ना ये नौमन का घिया है। असल मसला हम नहीं है माँ जी, असल मसला ये है सूखी सड़ी पक्के बीज वाली भिंडी। आप होंगे अमेरिकन सुंडी लगा घिया। तुम दोनों सब्जियों में कीड़े निकालने बंद करो और असल मसला बताओ क्या है। अरे माँ जी हम बताते हैं, आज हमारी तबीयत कुछ नासाज थी, हमने। अरे चुप करे माँ जी, ये तबीयत खराब होने का ना नाटक कर रही थी, लड़ते वक्त तो आप में बड़ी जान आ गई थी। ये भी तुम चुप करो, तू आगे दस। माँ जी हमारी तबीयत चूंकि नासाज थी, हमने कह डाला इनसे कि दो चपातियाँ माँ जी के लिए डाल दो, बस सूखी सड़ी घास में आग ना लग गई, इसने हंडिया उठा के फर्श पे दे मारी। माँ जी आवाज अंदर तक आई थी। आजान बेबी तूने ऐसा क्यों किया था? माँ जी ये झूठ बोलती है, इतने प्यार से अगर ये मुझे बोलती तो मैं इन्हें अपनी जान दे देती। पहले इन्होंने मेरे शोहर पे, फिर मेरे भाई जान पे, और फिर मुझ पे सुस्ती का इल्जाम लगाया है। हमने जो भी कहा सच कहा माँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल, डुगडुगी हाउस तो जैसे चलता ही आपकी वजह से है। अरे डुगडुगी देखने वाले हमारी वजह से देखते हैं डुगडुगी। ओ प्लीज, डुगडुगी की रेटिंग सिर्फ मेरी वजह से आती है। मैं क्या चने बेचने आया, मैं क्या फिलर हूँ? तू फिलर नहीं फ्लर्ट है, बस करो साहब। माँ जी बस हम बता रहे हैं, अब हम इस चिंची के साथ इस घर में नहीं रहेंगे। एक मिनट माँ जी, मैंने भी इस डब्बा वैगन के साथ नहीं रहना। ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? जी जी ठीक है, तुम दोनों का फैसला मुझे मंजूर है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि सदर वाली बिल्डिंग के दो कमरे का फ्लैट एक तुम्हारे लिए
और एक तुम दोनों के लिए। ये कैसा फैसला है? अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो, मुंह क्या बनाया? चलिए खड़े क्या, आइए। अरे जल्दी चलिए। अपनी हड़ हरामी ना बंद कर दो और उठ के अपनी पैकिंग करो। पीवी डार्लिंग, मैं तुम्हारी तरह ना जज्बाती नहीं हूँ। मैं अपने ठंडे दिमाग से ना गौर व फिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि गौर व फिक्र करना दुनिया का सबसे अजीम काम है। बकवास अपनी बंद करो और पैकिंग करो। सबर बेबी डार्लिंग, सबर, पेशेंस। सबर का फल मीठा होता है। इससे पहले कि सबर का फल खा के तुम्हें शुगर हो जाए ना, उठो और अपना सामान पैक करो। बेबी डार्लिंग, बहुत सोचने के बाद ना मेरे जहन में एक बात आई है। अच्छा, क्या? ये जो दो कमरे का जो फ्लैट है ना, ये माँ जी की चाल है। चाल? तुम इनडायरेक्टली मेरी माँ जी को चालबाज कह रहे हो? ओहो नहीं बेबी डार्लिंग, मैं माँ जी को चालबाज थोड़ी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये तो माँ जी की ना साजिश है, साजिश। अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल ये है कि मेरी माँ जी साजिशी अनासर है, राइट? बेबी डार्लिंग, तुम बहुत मासूम हो, भोली हो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। हाँ तो तुम समझाओ ना, बातें घुमा फिरा के ना करो, सीधी तरह से बोलो प्रॉब्लम क्या है। साफ बात ये है, माँ जी दो कमरों का फ्लैट देखकर ना हम दोनों को टरखाना चाह रही है। टरखाया मतलब? बेबी डार्लिंग, इतनी सारी जायदाद, सुपर हाईवे पे इतनी सारी जमीनें, और हमें दो कमरों का फ्लैट देकर ना टरखा रही है वो। देखो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है, और मैंने नहीं उन्हें देना तुम्हारे साथ अपनी बेबी डार्लिंग के साथ नाइंसाफी। हाँ अगर तुम कितने बड़े लालची इंसान हो यार, तुमने मेरी माँ जी की जायदाद पे नजर रखी हुई है। बेबी डार्लिंग, वो तुम्हारी अपनी जायदाद है, और तुम्हारी हर शय पर नजर रखना मेरा कानूनी, मुआशी और मजहबी हक है। साडा हक इथे रख। फौरन से उठो और अपना सामान पैक करो, मुझे नहीं रहना इस घर में अब। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले भाईजान जाएंगे फिर हम जाएंगे। क्यों, किस खुशी में? वट्टा सट्टा, जो इधर वो उधर। आगा प्लीज, जस्ट गेट अप, उठ के अपना सामान पैक करो, वरना। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तन्हा छोड़ के चली जाऊंगी। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुम मुझे भाईजान और भाभी से बात करते हुए नजर आए ना, तो आई स्वेयर तुम्हारी मेरी रिलेशन खत्म, समझे तुम? अब उठो और जाके पैकिंग करो। लबी हम तुम हो गए, दल दल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। साथ में एक पागल भी होगा। शगुफ्ता, तुमने मुझे पागल समझा? वैसे शगुफ्ता, मैं ना इतना पागल हूँ नहीं जितना शक्ल से नजर आता हूँ। अब माँ जी के फैसले से खुश है? मैं तो माँ जी के हर फैसले से खुश होता हूँ, लेकिन शगुफ्ता ये जो अलहदा करने वाला फैसला है ना, ये माँ जी ने ना कुछ लेट किया है। देर आए दुरुस्त आए, ये तो सुना ही होगा ना आपने, फिर क्या हो गया? वैसे अशरफ, शादी के दूसरे दिन से हम ये ख्वाब देख रहे थे। अलहदा होने का? नहीं, ये कि हमारा एक अलग से घर हो, उसमें हम अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से उठें, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और आखिर वो दिन आ गया शगुफ्ता। शगुफ्ता, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी ना यही ख्वाब देखता था। है अलहदा होने का? कि कोई रोकने टोकने वाला ना हो। शगुफ्ता, अब तो मेरी ना पौधों को गोडी करने से भी जान छूट जाएगी। वो कैसे? फ्लैटों में फूल पौधे नहीं ना आते। फ्लैटों में फूल पौधे नहीं होते? वहाँ खारा पानी होता है, बस खारा, बोरिंग वाला जो होता है ना खारा पानी। वो खारा पानी फ्लैटों में? खारा पानी होता है? हाँ, तुम्हें पता खारे पानी का नुकसान क्या होता है? जब तुम खारे पानी से अपना सिर धोओगी ना, कंघा फेरोगी, तो ऐसे गुच्छे उतरेंगे गुच्छे, फिर सर पे वाल भी नहीं रह जाएगा, शैम्पू का भी खर्चा बचेगा और कंघी का भी। आप जेलसी में हमारे इरादे कमजोर करना चाह रहे हैं। मैं छोटी छोटी दो चार ना हकीकतें बयान कर रहा हूँ। हमारा फैसला और इरादा पहाड़ की तरह मजबूत है अशरफ। तुम्हारे बाल कुछ कमजोर हैं। अशरफ, सामान पैक कीजिए अपना। मैंने तो अपना सामान रात को ही पैक कर लिया था। रात को मतलब? क्योंकि ये किराए का मकान है ना, इसलिए मालिक मकान किसी वक्त भी कह सकता है खाली करो, मैं पहले अटैची तैयार रखता हूँ हर वक्त। चलिए। शगुफ्ता, तुम जरा थोड़ा सा मेकअप कर लो, मैं ना माँ जी से ना बात करके आता हूँ और उनको आखिरी सलाम भी कर लूँ। बात सुनिए, जरा कान खोल के अपने दिल में बिठा लीजिए ये बात, अगर आगा से या उस सूखी सड़ी भिंडी से कोई बात करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है, मैं थोड़े गया ते होने आया। भाईजान इधर इधर इधर। ओए आगे, वैसे तो मुझे ना शगुफ्ता ने मना किया हुआ है तुमसे बात करने को। आहिस्ता भाईजान, आहिस्ता, मुझ पर भी पाबंदी है। और बोलो क्या बात है? आपने जाने का फैसला कर लिया क्या? हाँ बिल्कुल कर लिया आगा। आगा जैसे मेरी प्यारी शगुफ्ता कहेगी ना, मैं वैसे ही करूंगा। क्यों? आगा मैं ना अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और तू भी अगर अपनी बीवी से प्यार करता है ना आगे, तो तू भी ऐसा ही कर जैसे वो कहती है। मुझे एक बात तो बताइए,
ये बाबा आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया था? ओए बाबा आदम ने नाफरमानी की थी, गंदम का दाना खाया था उन्होंने। और किसके कहने पे ऐसा किया था? अम्मा हवा के कहने पे। और किसके कहने पे? अम्मा हवा की वजह से बाबा आदम को जन्नत से निकाला गया और हमें बीवियों की वजह से निकाला जाएगा घर से। ओए बात तो तेरी 100% दुरुस्त है आगा, मगर मगर क्या भाईजान, अगर और मगर बात सुन, ये जो हमारी बेगमात है ना, इन बेचारियों के भी कुछ जज्बात है, इनके कोई ख्वाब है। ये अगर अपना अलहदा घर बसाना चाहती है, अलहदा घर संवारना चाहती है, तो फिर इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? है ना, पर आप समझ नहीं रहे। चल फिर तू मुझे समझा। ये घर माजी के खर्चे से चलता है और हमें अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो मेहनत मजदूरी कर लेंगे, इसमें ऐसा क्या मसला है? ना देखे, मैं तो जवान हूँ, मैं तो मेहनत मजदूरी कर लूंगा, मुझ में तो ताकत है। तू जवान है तो मैं बस तुमसे 6 महीने बड़ा हूँ, तूने बहुत बड़ा कर दिया है मुझे। है पोए, तेरी बस नियत खराब है। आप इस उम्र में मजदूरी करेंगे? तो आपको मजदूरी पे रखेगा कौन? देखते रिजेक्ट कर देगा। अगर मैंने तो ये सोचा ही नहीं है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। तो अब भी आप औरतों की बातों पे अमल करेंगे? अगर ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है ना, शिकस्ता तो बिल्कुल ही तैयार बैठी है। और बेबी भी, भाजी ने काम करे ना, माजी को बोले ना अपना फैसला वापस ले ले। आगा बड़ा मुश्किल काम है ये। मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं है ना, बात तो करके देखे। तू इतनी बैठ, नहीं मैं माँ जी को समझा के आता हूँ, तू इतने बैठ। अब क्या लेने आया? मैं ना अपनी जन्नत लेने आया हूँ। माँ जी, माँ जी आपके पैर कहाँ गया? माँ जी आखिरी दफा अपने पुत्र को पैर नहीं दबाने देंगी। माँ जी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ना आपके बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? फिर मुँह तेरा, मेरे बगैर का क्या मतलब, अभी मैं जिंदा हूँ। माँ जी मैं आपके पैर ना दबाऊ तो मेरी सुबह ही नहीं होती, नशा सा हो गया पैर दबाने का मुझे। ठीक है फिर तू ऐसे कर, रोज सुबह आके मेरे पैर दबा दिया। माँ जी रोज आने जाने में बड़ा किराया खर्च होगा। मैं रोज वैगन का किराया दे दिया करूंगी। हाँ माँ जी आप अपना फैसला वापस नहीं ले सकती? ले सकती हूँ। माँ जी जल्दी से अपना फैसला वापस ले ले। और चल तू भी क्या याद रखेगा किस हातम ताई से तेरा पाला पड़ा था? माँ जी आप हातम ताई, मैं अशरफ ताई। मुझे नहीं पता, मैं नहीं, तो घर से जाने वाला फैसला वापस लेने की बात कर रहा हूँ। वो मैं वापस नहीं ले सकती। क्यों? इसलिए कि इस फैसले में शगुफ्ता और बेबी का फैसला भी शामिल है। आप अपने पुत्र के ना जीते जी यतीम तो ना करें। देख अशे पुत्र, मुझे खाम खा जज्बाती ना कर, ये फैसला जो है ना मैंने तुम लोगों की बेहतरी के लिए किया है। माँ को पुत्र से जुदा करके इसमें किसकी बेहतरी है? माँ जी देख पुत्र, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम लोग अपनी जिंदगियां अपने अपने तरीके से गुजारना शुरू कर दोगे, मुझे और क्या चाहिए। बस माँ जी आप अपने फैसले पे कायम है ना? बट हूँ, एक दफा फैसला कर लूँ तो वो पत्थर पे लकीर होता है। असली भी बट नहीं है माँ जी, एक फैसला मैं भी करूँगा। क्या? आप ना मेरे साथ रहेंगी? नहीं। बस माँ जी मैं भी बट हूँ, मेरा फैसला भी ना पत्थर पे लकीर होता है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो मिस कॉल दी है। किसकी? अननोन नंबर से आया है, पता नहीं कौन है। कॉल कर लो भाई, हो सकता है कॉल करने वाली इमरजेंसी में हो। वाली नहीं, वेला। मेरा मतलब है वाला वाला। चलो जो भी है, तुम कॉल करके देखो तो सही ना कौन है। अब ठीक है बेबी डार्लिंग, अब तुम इसरार कर रही हो तो मैं कॉल कर लेता हूँ, टच सिस्टम है। कॉल आएगी, कॉल आएगी। आगे आगे। हेलो जी, फरमाइए। फरमाना क्या है आगा? बस मैंने ना तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी, और हो सकता है वो गुड न्यूज तुम्हारे लिए ना बैड न्यूज हो। जी सुन रहा हूँ मैं। ले भी आ गया, ओए अपना आ गए, मेरा प्रॉब्लम तो हल हो गया। माँ जी ना अब मेरे साथ रहेंगी। क्या? अरे बस आ गए, तू अब मजदूरी करने की सोच। मैं, मेरा ख्याल है तुम्हें ना मैं एम्प्रेस मार्केट के आगे ना गन्ने के रस वाली रेड़ी लगा देता हूँ। तोबा तोबा आगा, तुम ना सीमट के खोते लगते हो, तुम ना कुल्ली का काम भी कर लो वो भी ठीक है। ये बताने के लिए आपने फोन किया था? हेलो 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 हेलो।
किसका फोन था? भाईजान का। कौन भाईजान? एक ही तो तुम्हारा भाई है, शक्ल से मासूम और भोला और अंदर से चलाक और मक्कार। मैंने तुम्हें उन दोनों से मना किया था ना कि बात नहीं करनी, फिर क्यों बात की? बेबी डार्लिंग, तुम्हें तो कहा था कि बात करो। तुमने कहा था अननोन नंबर है, कोई मिस्ड कॉल है। हाँ, तुम अननोन नंबर से बात कर रहे थे। तुमने मेरे मना करने के बावजूद उनसे बात की है ना, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अभी ये बताओ उन्होंने फोन क्यों किया था? क्यों फोन किया था? अगर तुम सुनोगे ना तो माजी जो है ना तुम्हारी तुम अपनी छोटी बच्ची नजर आएंगी। क्या मतलब है? माजी जो है ना भाईजान के साथ रहेंगी। क्या जी? नहीं नहीं आगा, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी ना हमारे ही साथ रहेंगी, हम चलेंगे। बेबी डार्लिंग, ये नाइंसाफी हो चुकी है और एक बात क्लियर भी हो गई है, माँ जी तुम में और भाईजान में ना फर्क रखती हैं। आगा, अगर ये बात सही हुई तो मैंने भी ना इस घर की ईंट से ईंट बजा देनी है। इतना फसाद खड़ा करूंगी ना कि सबको याद रहेगा, तबीयत खुश हो जाएगी सबकी। अरे बेबी डार्लिंग, क्या हुआ? अरे आराम से नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल हो जाऊँ? तुम चलो अभी मेरे साथ माँ जी के पास, मैं अभी जाके उनसे पूछती हूँ उन्होंने ये फैसला किया कैसे है। वो सिर्फ तुम्हें और मुझे मुश्किल में डालना चाहती है, बल्कि मुझे और तुम्हें। नो वे, तुम भी देखना, जाके नीचे से माचिस लेके आओ, अभी इस घर को आग लगाऊंगी मैं। अरे बेबी डार्लिंग, आराम से, क्या हो गया है? काम डाउन, क्यों टेंशन ले रही हो? चल के माजी से बात कर लेते। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे जज्बाती हो जाती है। आओ आराम से गुस्सा थूको थूको। क्या? अरे अगर माँ जी हमारे साथ रहेंगी तो अलहदा होने का फायदा। हाय हाय हाय, मेरी भोली 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 शिगुफ्ता, मेरी होम मिनिस्टर। सुनो, अगर माँ जी हमारे साथ रहेंगी ना तो सारे अखराजात वो खुद करेगी और हम दोनों टेंशन फ्री जिंदगी गुजारेंगे ऐसे। अरे ये तो फिर ठीक है बिल्कुल। शिगुफ्ता, मैंने ना ये बात आगे को बताई, बेबी और आगा ना इस वक्त सड़ रहे होंगे अंदर ही अंदर। आपने आगा से बात की? मैंने उसका फोन नहीं किया था, उसका फोन आ गया तो मैंने बात कर ली। मैं क्या करता? हमने आपको आगा से बात करने का खास तौर पे मना किया था, क्योंकि आपने आगा से बात, जवाब दीजिए। उसकुता समझा करो, उनको ना साड़ने के लिए, जलाने के लिए। हमने मना किया था तो क्यों की बात? अरे इतनी सी बात आप हमारी नहीं मान सकते? जिंदगी में एक बार आपने हमसे कहा था कि हमें साड़ी नहीं, आज तक उसके बाद एक बार भी साड़ी ना पहनी हमने, और आप हमारी इतनी सी बात नहीं मान सके। सॉरी प्यारी शिकुफ्ता, सॉरी। क्यों की आपने बात उससे? जी कहते हुए ना मुझे शर्म आती है। हाँ, आपको क्या समझा था और आप क्या निकली हैं यार? क्या निकली? यही कि माँ जी आपके इंसाफ का बहुत चर्चा होता था और आपने क्या किया, अपनी सगी औलाद में फर्क कर दिया। जानिबदारी। हाँ माँ जी, आपने जानिबदारी की है। बेइंसाफी। हाँ माँ जी, आपने हमारे साथ बेइंसाफी की है। मैंने तुम सबकी मर्जी का फैसला किया, अब क्या बेइंसाफी की है मैंने? यही कि आप भाईजान के साथ रहेंगी। भाईजान ने खुद बताया कि आप उनके साथ रहेंगी ताकि उनके खराजात पूरे हो सके। मुझे मारने की उठी तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ जी पे शक किया है। बेबी डाले, मुझे जैसे भाईजान ने कहा ना मैंने वैसे ही कहा। अगर तुम वाकई ये घटिया जलील और कमीने इंसान हो। ठीक कह रही हो तुम, ये बहुत फसादी घटिया और कमीना इंसान है। बाजी आप तो ऐसा ना कहे ना। अच्छा तो अब्बा आदम अम्मा हव्वा की वजह से जन्नत से निकाले गए थे? अरे अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे शिगुफ्ता, प्यारी शिगुफ्ता, बिल्कुल इसके यही अल्फाज थे। यानी अब ये सूखी सड़ी भिंडी और हम तुम दोनों को इस घर से निकलवा रहे हैं? नौ मन की घिया, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। शिगुफ्ता, इसने ना औरतों को फसाद की जड़ भी कहा था। यू चीप घटिया इंसान, तुम्हारी ये सोच है, तुम्हें औरतों की कुर्बानियाँ याद नहीं आती? अरे तू चुप कर, इस वक्त हम अपने जलील और घटिया भाई से बात कर रहे हैं। यू शट अप, इस इंसान को ना घटिया सिर्फ मैं कह सकती हूँ, सिर्फ मेरे पास राइट है। ओके शुक्रिया बेबी डार्लिंग। शट अप का मतलब? शट अप का मतलब मुझे तो नहीं पता शिगुफ्ता, पर पंजाबी में ना ये जो शट अप होता ना, ये एड्डी मोटी गाली होती है। इस सूखी सड़ी भिंडी ने हमें गाली दी? यू शट अप, नौमन की घिया। सूखी सड़ी भिंडी? आप होंगी सूखी सड़ी भिंडी। मैं सूखी सड़ी भिंडी हो जाऊँ तो मुझे और क्या चाहिए? सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी? पेट में दर्द हो रहा था आपके? नहीं दर्द नहीं, मेरे ना गुड़गुड़ हो रहा था, गुड़गुड़। माँ जी घर छोड़ के जा रही है। माँ जी आप अपने पुत्र को छोड़ के
कहाँ जा रही हैं? जहन्नम में। मैं भी आपके साथ चलूंगा जहन्नम के गेट तक। पुत्र मुझे छोड़, मेरा बैग छोड़, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ जी ये देखिए हमने अपने कान पकड़े हुए, हमने आपकी बहुत खिदमत की है माँ जी, हमें माफ कर दें और अपना आखिरी फैसला वापस ले लें। तुम लोग लड़ो मरो, जहन्नम में जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। माँ जी हमसे गलती हो गई है, प्रॉमिस अब नहीं लड़ेंगे। माँ जी हम आपसे वादा करते हैं, आज से हम और नौशीन सगी बहनें बन के रहेंगे, क्यों नौशीन? हाँ भाभी। माँ जी अब ना आप अपना आखिरी फैसला वापस ले लें। ठीक है मैं अपना आखिरी फैसला वापस लेती हूँ, अब तुम इस घर से जाओगे। माँ जी। हाँ जी।